Students work from home online classes from Saint Angels Public School, Bagpat. Students, we have completed the first part of the chapter, the interview, in which we read what is interview and why do the some celebrities think about it that it is quite despised, or they lose their personality while giving the interview to someone, and what the different viewpoint of the different cele celebrities about the. Interview. Now, this is the second part of the chapter. In this part, we are going to read an interview of Ambatu Eco and the interview was taken by Mukund Padmanabhan, the reporter of the Hindu newspaper, okay. Now come to this part, I am a professor who writes novels on Sunday, Ambatu Eco. अम्बर टू इको सेट कि आई एम अ प्रोफेसर मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कि संडे के दिन नॉवल लिखता है द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर टू इको और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है एक्स्ट्रैक्ट एक्स्ट्रैक्ट मीन्स अ स्मॉल पीस एक अंश होना एक पार्ट होना तो अम्बर टू इको का जो इंटरव्यू हुआ था मुकुंद पद्मनाभन के साथ उसका एक पार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू जो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है वो पर्सन है मुकुंद पद्मनाभन और ये द हिंदू न्यूज़पेपर से बिलोंग करते हैं अम्बर टू इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बलोगना इन इटली हैड हार्डली एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपूटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमेटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस हेयर अम्बर टू इको वॉज अ प्रोफेसर ये प्रोफेसर हैं बलोग्ना यूनिवर्सिटी जो कि इटली में है और ही हैड एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन रेपुटेशन यू नो एंड द वर्ल्ड रेप्यूटेशन मीन्स उनकी अपनी जो पहचान है एक बनी हुई वो किसके बारे में बनी हुई है ही हैड ऑलरेडी एक वर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपूटेशन मतलब उनकी एक अच्छी एक स्कॉलर के रूप में कि उन्हें अच्छी नॉलेज है किसके बारे में सेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ साइंस जिसके अंदर सिग्नेचर्स के बारे में स्टडी करते हैं उसके बारे में उनकी एक अच्छी पहचान ऑलरेडी बनी हुई है स्टूडेंट्स मार्क्स द डिफिकल्ट वर्ड ईयर एक्स्ट्रैक्ट Acquired, then come to the next one that is formidable, then semiotics, the study of sign, scholar, learner, these are the difficult words in this part. come to the next one literary interpretation and medieval literary interpretation and medieval aesthetics before the before he turned to writing fiction मतलब जिसके पहले वो writing की तरफ मुड़े उनकी जो एक पहचान थी वो स्टडी ऑफ साइन के अंदर या लिटरेरी इंटरप्रटेशन को लेके या मेडवेल एस्थेटिक्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ uh, लिखा है और ऑलरेडी इसके लिए वो अपने फिक्शन के लिए वो जाने जाते हैं लिटरेरी फिक्शन एकेडमिक टेक्स्ट एसेज चिल्ड्रन बुक्स न्यूजपेपर आर्टिकल्स हिज रिटर्न आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग इनका चाहे वो बच्चों को लिखने का रहा है अकेडमिकली मतलब उन्होंने लिखा या उन्होंने टेक्स्ट बुक को लिखा है ऐसे लिखे बच्चों की जो बुक्स लिखी हैं या न्यूज़पेपर के आर्टिकल ये पूरा एक स्टेगर्ड मीन्स एक डायरेक्शन के अंदर उनका ये काम सामने आया है और इसकी वाइड रेंज है जिसके बारे में भी उन्होंने लिखा है इन 1980 ही एक्वायर्ड द इन 1980 एटी ही एक्वायर्ड इक्वलेंट ऑफ इंटलेक्चुअल विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन टेन मिलियन कॉपीज इन नाइनटीन एटी हीचुअल सुपर स्टारडम मतलब नाइनटीन एटी में जब उनका ये नावल आया था द नेम ऑफ द रोज जिसकी टेन मिलियन कॉपी से भी ज्यादा कॉपी जो है वो सेल आउट हुई थी ये बेस्ट सेलर उनका नॉवल रहा है और इसके लिए तो उनको बहुत ही सुपर स्टारडम जो था वो मिला था मार्केर द डिफिकल्ट वर्ड्स देन स्टैगर स्टैगरिंगली इंटलेक्चुअल Superstardom. These are the difficult word here. Now, come to the next part of this chapter. Mukund, Mukund is going to ask the first question. The English novelist and academic David Laws once remarked, "I can't understand how one man can do all the things."

डज कि जैसे मतलब बाकी एक आदमी इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है जैसे कि वो कर वह करता है वह कौन यहाँ पर ही हु इज ही मीन्स अम्बर टू इको अम्बर टू इको रिप्लाइड मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स ई सेड कि हो सकता है कि मेरा इम्प्रेशन ऐसा जाता हो कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ इम्प्रेशन मतलब साइन आपका ठीक है आपका प्रिंट मतलब मेरा इम्प्रेशन जो है लोगों को या मेरी छाप वैसी बनी हुई हो कि जैसे मैं बहुत सारे काम करता हूँ बट इन द एंड लेकिन एंड में आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग कि क्यों लेकिन मैं तो यही बात मानता हूँ आखिर में एंड में मैं यही बात समझ में पाता हूँ कि मैं एक ही चीज़ करता हूँ देन मुकुंद आस विच इज कि फिर वो क्या चीज़ है जो आप एक ही चीज़ करते हैं स्टूडेंट्स मार्केर द डिफिकल्ट वर्ड्स इम्प्रेशन एंड कन्विंस्ड

मेरे एकेडमिक काम के थ्रू परस्यू करना मीन्स कैरी ऑन मैं उनको अपना इंटरेस्ट जो है फिलासफिकल फिलासफिकल मीन्स हो गया रिलेटेड टू फिलासफ़ी जो आपके दर्शन से जुड़ी हुई होती है ठीक है तो उससे तो मेरा वो इंटरेस्ट है उससे मैं अपने अकेडमिक वर्क के थ्रू उसको मैं सामने लाता हूँ एंड माई नॉवल्स और मेरे नॉवल्स के थ्रू इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रेन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस ही सेड कि यहाँ तक कि मेरी बच्चों के लिए जो बुक्स मैंने लिखी हैं वो कैसी है नॉन वायलेंस मीन्स उनमें अहिंसा की बात की गई है जिसमें किसी वायलेंस की बात नहीं है और पीस के बारे में मैंने बात की है शांति के बारे में यूसी आप देखेंगे द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलासफिकल इंटरेस्ट तो ये जो मेरा सेम बंच बंच मीन्स ग्रुप एथिकल एथिकल मीन्स मॉरल तो मेरा ये जो इंटरेस्ट है ये जो दर्शन के अंदर जो फिलासफी में मेरा इंटरेस्ट है ये बिल्कुल चीज़ आप उन बुकों के अंदर भी देख सकते हैं एंड देन आई हैव अ सीक्रेट और फिर मेरे, मेरा एक सीक्रेट है डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम टी स्पेसेज फ्रॉम द यूनिवर्स देन ही सेड की ही सेड टू मुकुंद डिड यू नो वॉट विल हैपन क्या आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा इफ यू एलिमिनेट एलिमिनेट मीन्स रिमूव अगर आप हटा देते हैं द एम टी स्पेसेज एम टी मतलब वेकेंट खाली स्पेसेज मीन्स जगह स्थान आप समझते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स मतलब अगर आप यूनिवर्स में से जितने भी खाली जगह हैं अगर आप उनको हटा देते हैं देन वॉट विल हैपन क्या होगा स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फिलोसफिकल मीन्स रिलेटेड टू फिलोसफी परस्यू परस्यू मीन्स कैरी ऑन एंड नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट मीन्स टू रिमूव Ethical. The word ethical. Now, come to the next part. Ethical. This one is ethical. Ethical means moral bunch group. Now, he said, "Ki what will happen?" कि अगर हम यूनिवर्स में से खाली जो प्लेसेस हैं उनको अगर हम निकाल दें तो क्या होगा एलिमिनेट द एम टी स्पेसिस इन द इन ऑल द एटम्स कहता है सभी एटम्स के बीच के खाली जगह को अगर हम ख़त्म कर दें तो क्या होगा द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फीस तो ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ इतना सा बच जाएगा जितना मेरी हथेली पर आ जाए फीस मीन्स द हैंड विद फिंगर्स कर्ल्ड इन मतलब एक मुट्ठी भर बन जाएगा ये यूनिवर्स पूरा नाउ कम टू सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एमटी स्पेसेस इन आर लाइफ इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी खाली जगह हैं। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स है ना मैं उन्हें क्या कहता हूं कि वो क्या है इंटरवेल्स हैं अंतराल हैं वो बीच बीच में इंटरस्टेज हैं ना जिनको जो स्पेसेस हैं से यू आर कमिंग ओवर टू प्लेस ओवर टू माई प्लेस देखो कि तुम अभी नीचे से मेरे पास मुझसे मिलने ऊपर आ रहे थे यू आर इन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप और तुम एलिवेटर में थे एलिवेटर मीन्स लिफ्ट तुम लिफ्ट में थे और तब जब तुम ऊपर आ रहे थे आई एम वेटिंग फॉर यू और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था दिस इज एन इंटरेस्टिंग है ना और ये क्या है इंटरेस्ट है और एन एम स्पेस है और ये वो खाली जगह है आई वर्क इन एम टी और मैं इन खाली जगहों में काम करता हूँ वाई वेटिंग फॉर यू योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर आई हैव ऑलरेडी रिटर्न एन आर्टिकल मतलब मैं तुम्हारी एलिवेटर के ऊपर आने का इंतजार कर रहा था फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक और इसी बीच मैंने क्या किया इसी बीच मैंने एक आर्टिकल लिख दिया एंड ही लाफ स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पार्ट n t sorry this one. Interessus means interval, elevator, lift and yes. These are the difficult words in this part. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.